हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने गार्डन में क्या काम किया है। ये देखिए, फिर से मैंने ये एक और डलिया, ये सब मॉसरोस, ये सब लगा लिए। परचूला का कटिंग मैंने ये लगाया है, इसमें भी थोड़ा सा मैंने लगा दिया है। और ये अपराजिता का प्लांट था, इस पर सूखी जो टहनी थी मैंने हटा दी है। और ये जो हरा वाला है वो रख दिया है, उसके बीच मैंने एक इकट्ठा कर लिए हैं तोड़ के। और दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सारे पीस मैंने ये अपराजिता के कलेक्ट कर लिए हैं। इनको हटाना बहुत ज़रूरी था, इससे नए प्लांट भी बन जाएंगे और जो पुराना प्लांट है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और जो सूखी पत्तियाँ थी, सूखी टहनी, मैंने सब हटा दी है, जिससे ये पुराना प्लांट है और बच जाएगा। आप भी पौधों की डेड हेडिंग हटाते रहिए, सूखी टहनियाँ भी हटाते रहिए। और मैंने ये देखिए, इसकी मैंने ये सब सूखी थी, मैंने सब ये चुनमुई का प्लांट है इसका भी मैंने कटिंग कर दी है। और ये ब्लीडिंग हार्ट का था, इसको भी मैंने कट कर दिया है। जितनी भी सूखी टहनी थी, ये देखिए सूखी टहनी थी, इसको मैंने हटा दिया है। और सब में अब इसकी, और इसमें मैंने खाद डाल दी है बर्मी कंपोस्ट, तो इसमें अच्छी ग्रोथ आएगी। सूखी टहनी भी आप पौधों की बराबर हटाते रहिए, और जिससे आपका पौधा मरेगा नहीं और अच्छी ग्रोथ होगी। और देखिए ये वाले फ्लावर्स खिल रहे हैं काफ़ी अच्छे। ये देखिए, जितना भी गार्डन का काम है आप सुबह किया करें, क्योंकि सुबह शाम दोपहर में बहुत धूप हो जाती है, और जिससे आप धूप में बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। छाँव में बैठकर आप कर सकते हैं। और सूखे तने ज़रूर हटाते रहें पौधों के, जिससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और बाकी जो पौधों की जो टहनी है वो भी सूखेंगी नहीं। और जो पौधे लटक रहे थे नीचे, मैंने उनको बांध दिया है, क्योंकि उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये देखिए गुलाब का रोज खिला हुआ है। और ये देखिए, ये वाले फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। ये देखिए, और डहलिया भी अच्छे से खिला है। ये देखिए, ये देखिए, और इसमें भी ये वाला फ्लावर आया है, तो नीचे टूट गया था, लेकिन मैंने इसमें ऐसे ही लटका दिया है। जो में बहुत अच्छी सी ग्रोथ हुई है, ये देखिए बहुत अच्छे से फ्लावर इसमें खिल रहे हैं। मैंने ये वाला प्लांट बहुत नीचे झुक रहा था, इसको मैंने बांध दिया, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, ये सब नीचे लटक रहा था, ये जो पौधे नीचे लटकते हैं, इससे अच्छे तो आप किसी पौधे के सहारे उनको बांध दें। यह अभी मैंने किया है काम, और जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो सब डिलीट हो गया मेरी वजह से ही, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, बता रही हूँ। और इधर देखिए, ये सब कनेर हैं, उनको भी मैंने नीचे लटक रहे थे, थोड़ा ऊंचाई से बांध लिया है। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ आई है। और ये देखिए, फ्लावरिंग इसमें होने लगी है। और कुछ पौधों की मैंने डर्ट, ये जो तना होते हैं जो सूख गए, उनको हटाते रहिए, इससे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और अपने गार्डन का काम खुश होकर कीजिए, जिससे आपको कोई भी काम बोझ नहीं लगे और अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, चिड़िया बैठी हुई है, अपना घोंसला बना रही है। सूखे पत्तियाँ, तने और पतंग का कागज़ भी लेके जाती है घोंसला बनाने के लिए।
छोरी छोरी सब फ्लावरिंग होने लगी है। देखिए समर का प्लांट है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने गार्डन का काम तो सौंप कीजिए, जिससे आपको बोझ नहीं लगेगा, पौधे भी खुश रहेंगे और आपको भी पौधे लगाने में बहुत अच्छा महसूस होगा और उनकी केयर करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।